हाय गाइस, मैं शांत नो, आप देख रहे टैकल शॉन। इस वीडियो में मैं आपको 5 MIUI 12 के लिए थीम सजेस्ट करने वाला हूँ, जो कि आप कोई भी Xiaomi डिवाइस में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MIUI 12 ऑन 5 के लिए अगर आप थीम सर्च करो तो आप ये सब थीम्स ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट थीम का गूगल का फोल्डर में आइकन पैक दे तो उसमें आपको काफी क्लीन और मिनिमल आइकन पैक देखने को मिल जाता है। गूगल का फोल्डर होम स्क्रीन में अगर आप देखें तो काफी क्लीन और इंटरेस्टिंग सा आपको लुक देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। येलो और व्हाइट कलर का विजेट देखने को मिल जाएगा। आइकन पैक होम स्क्रीन और टूल का फोल्डर में सेम टाइप का देखने को मिलता है, जो कि काफी क्लीन और मिनिमल है। पर्सनल यूज के लिए ओवरऑल थीम जो है काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप जाएंगे इसका कंट्रोल सेंटर तो कंट्रोल सेंटर में आपको कलरफुल कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा। टॉगल्स आपको राउंडेड एजेस और सर्कल टॉगल्स देखने को मिलने वाला है। और अगर आप जाएंगे इसका सेटिंग्स में तो सेटिंग्स आपको ये डार्क मोड भी सपोर्ट करता है और लाइट मोड भी सपोर्ट करता है। तो मैं अभी आपका लाइट मोड यूज कर रहा हूँ। लाइट मोड में भी काफी इंटरेस्टिंग आपको लुक देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं काफी कलरफुल टॉगल्स देखने को मिलता है। अगर आप इसका अबाउट फोन में जाइएगा तो अबाउट फोन में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा, ज्यादा कुछ इतना चेंजेस नहीं है। जो कि आप देख सकते हैं स्टोरेज का जो परसेंटेज है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि आपका लिक्विड जैसा होता है। और अगर आप जाइएगा तो उसमें आपको जो है एडिशनल सेटिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले जेस्चर जो है वो आपका चेंज हो चुका है, जो कि बहुत सारा थीम्स में नहीं होता है। तो उसके लिए अगर आपको ऐसा कुछ थीम चाहिए तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। डायलर मैसेजेस ऐप में भी आपको चेंजेस जो है देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं डायलर आपका काइंड ऑफ स्टॉक एंड्रॉइड से इंस्पायर, जो कि आप बोल सकते हैं गूगल डायलर से इंस्पायर्ड है। और अभी आपका गूगल डायलर ही देखने को मिल रहा होगा तो कोई जरूरत नहीं है इसका, तो ऑब्वियसली गूगल डायलर आपका चेंज भी नहीं होगा। और अगर आप देखिए इसका लॉक स्क्रीन तो लॉक स्क्रीन में आपको काफी इंटरेस्टिंग आपको टॉगल देखने को मिल जाता है और विजेट्स जो है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। डार्क मोड सपोर्ट करता है, लाइट मोड सपोर्ट करता है। इसमें आप डायरेक्टली जो है चेंज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन स्टाइल को कुछ ऐसा। अगर आपको खाली बस एक विजेट चाहिए डेट एंड टाइम और वेदर का तो ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको फुल फ्लेज विजेट्स चाहिए तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे को तो सेकंड वाला अच्छा लगा, जो कि खाली जिसमें आपको डेट एंड टाइम का विजेट देखने को मिल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अच्छा सा लुक दे रहा है। और अगर आपको सिंपली ये थीम डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा होम प्रो। जैसे आप सर्च कीजिएगा होम प्रो तो आपको ये थीम जो है मिल जाएगा। सर्च करके देखिए थीम स्टोर में मिलेगा, थीम डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप फ़ोन को रिस्टार्ट कर लीजिए ताकि आपको बग्स जो है इस थीम में फेस ना करना पड़े। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अभी तक वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और अगर आप देखिए इसका सेकंड थीम तो सेकंड थीम में भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है आइकन पैक देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं गूगल का फोल्डर में आपको राउंडेड एजेस वाला जो आइकन पैक देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली इस थीम के साथ काफ़ी मैच कर रहा है। और आपका जो होम स्क्रीन में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा विजेट देखने को मिल रहा है। आइकन पैक मेरे को ज़्यादा मतलब इस थीम का पसंद आया। टूल का फोल्डर में भी आपको सिमिलर राउंडेड एजेस के साथ आइकन पैक देखने को मिल जा रहा है, कलरफुल आइकन पैक है। और अगर आप इसका कंट्रोल सेंटर देखें तो कंट्रोल सेंटर आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग और मेरे को अच्छा लगा ये कंट्रोल सेंटर। तो अगर आप देखते हो जो ब्लूटूथ हुआ या वाईफाई सब का जो टॉगल्स वापस चेंज हो रहा है अनेबल डिसेबल करने के बाद, जो कि बहुत कम थीम्स में इतना ज़्यादा अच्छा सा कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। तो अगर आपको ट्राई करना तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। आपका डार्क मोड काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक के साथ देखने को मिलता है। और अगर आप जाइए इसका कंट्रोल मतलब सॉरी सेटिंग्स में तो सेटिंग्स में भी आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा इस थीम में। अगर आपको ट्राई करना तो ये थीम आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको जो थोड़ा सा सेटिंग्स जो स्टोरेज में आपको चेंजेस देखने को मिलता है और सेटिंग में आपको जो कलरफुल टॉगल्स देखने को मिल जाता है, जो कि काइंड ऑफ आपका MIUI 12 या 12.5 से इंस्पायर्ड, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ। अबाउट फोन में आपको जेस्चर भी मतलब उसमें चेंज नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली थीम इंटरेस्टिंग है बट ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ। बट अगर आप उसका डायलर में जाइएगा तो ये आपका iOS इंस्पायर्ड और पिक्सल का आपका जो है टॉगल देखने को मिल जाता, तो ऑब्वियसली कुछ नया टाइप का। बट अगर आप उसका लॉक स्क्रीन देखें तो लॉक स्क्रीन में आपको जो है ये एंड्रॉइड 12 का लॉक स्क्रीन से इंस्पायर्ड आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जो कि अपने हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपको जो है नीचे 4 डॉट्स देखने को मिल रहा है या 4 स्क्वायर्स, उसमें आप टैप कीजिए तो उसमें आपको जो लॉक स्क्रीन का 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं आपका राइट में क्लॉक देखने को मिल जा रहा है, लेफ्ट में क्लॉक और आपका सेंटर क्लॉक, जो कि ज़्यादा मेरे को पसंद है क्योंकि अभी आपका ये ट्रेंड चल रहा है एंड्रॉइड 12 वाला। और इसमें आपको जो कलर ऑप्शन भी चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप डायरेक्टली अपने हिसाब से जो भी आपको कलर पसंद हो आप चूज या सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे को पर्सनली वाइट ही ऑब्वियसली पसंद आ रहा है, क्योंकि ब्लैक वॉलपेपर के साथ वाइट ही कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो आपको जो पसंद हो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, वॉलपेपर चेंज इसमें नहीं होता है। इंटरेस्टिंग थीम है, अगर आपको ट्राई करना तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा थीम स्टोर में मिनी 12। जैसे आप सर्च कीजिएगा मिनी 12 आपको ये थीम मिल जाएगा। मिनी 14 मत सर्च कीजिए, मिनी 12 सर्च कीजिए। मिनी 14 आप पबजी में मतलब सॉरी BGM में
उस पर सर्च कर सकते हैं। तो मिनी 12 सर्च कीजिए, थीम स्टोर में डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको सेकंड थीम। और अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसा थीम सजेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और ऐसा इंटरेस्टिंग आपको वीडियो जल्दी मिलता रहेगा, मतलब ऑब्वियसली ये सब कर लीजिएगा। तो अगर आप देखिए थर्ड थीम, तो थर्ड थीम में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग जो आइकन पैक देखने को मिल जाता है, जो कि देख सकते हैं काफ़ी स्लीक और मिनिमल आइकन पैक देखने को मिलता है। इसमें आपको जो है विजेट भी काफ़ी क्लीन सा देखने को मिलता है और होम स्क्रीन और टूल का फोल्डर और गूगल का फोल्डर में ओवरऑल जो आइकन पैक है मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसका जो मतलब कि स्क्वायर आइकन पैक और राउंडेड एजेस भी है। और अगर आप देखिए इसका कंट्रोल सेंटर, तो कंट्रोल सेंटर में भी आपको ओवरऑल जो चेंजेस है वो आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें भी आपको सिमिलर टॉगल्स देखने को मिल जाता है राउंडेड एजेस के साथ, जो कि पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक भी जगह इसमें मिसिंग नहीं है, कोई भी थीम यूआई कहीं भी मिसिंग नहीं है। और अगर आप जाइए इसका सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में भी आपको जो है सर्कल या राउंडेड टॉगल्स देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। पर्सनली अच्छा लगा मेरे को ये थीम, आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सेटिंग्स में अबाउट फोन में जाइएगा तो उसमें भी आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलता, ऑल स्पेक्स चेंज नहीं होता है, बट आपको जो है एडिशनल सेटिंग में चेंजेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि इसका जो फुल स्क्रीन डिस्प्ले जेस्चर है वो आपका ब्लू कलर का है, जो कि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला चीज़ है, मतलब ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जेस्चर यूज़ होता है या बटन्स यूज़ होता है, आप जो भी यूज़ करते हैं आपको पता होगा। और अगर आप डायलर देखें तो ये आपका इंस्टॉक एंड्रॉइड से इंस्पायर्ड है और मैसेजेस आप भी आप सिमिलर देखने को मिल जाता है, बट आपका गूगल का डायलर और मैसेजेस है तो आपका चेंज नहीं होगा। और अगर आप जाइएगा तो इसमें आपको जो लॉक स्क्रीन में काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं विजिट जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, टेलीग्राम इंपॉर्टेंट ऐप्स का रीसेंट ऐप्स का आई गेस देखने को मिलता है या कुछ भी ऐप्स देखने को मिल जाता है, जो भी वो डिज़ाइनर यूज़ करता है उसी अपने हिसाब से सेट कर लिया है। और डबल टैप करने से आपका जो है लेफ्ट बॉटम में या बॉटम लेफ्ट में आपका चेंज हो जाता है ये लॉक स्क्रीन, जो कि आपको तीन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक फुल फ्लेज विजिट के साथ, एक बस आपका डेट और टाइम देखने को मिलता है और एक में आपका आधा देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको सर्च करना होगा फ्लैट रॉन, जैसे आप सर्च कीजिएगा फ्लैट रॉन तो आपको जो है ये थीम मिल जाएगा। जाइए सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए फ्लैट रॉन को, अप्लाई कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको थीम। और अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर सकते हैं और बेल आइकन को पता ही है उसके बाद टैप करने के बाद वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी अच्छा काम है सभी कुछ कर दीजिए। और अगर आप देखिए फोर्थ थीम, तो फोर्थ थीम में आपको जो है काइंड ऑफ ये स्टॉक एंड्रॉइड इंस्पायर्ड थीम है, जो कि आप देख सकते हैं आपको जो काफ़ी गूगल वाला जो फील दे रहा होगा, तो आपको जो एंड्रॉइड 12 का ऑफिशियल विजेट्स देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन में, आपका स्टॉक एंड्रॉइड इंस्पायर्ड टूल का फोल्डर, गूगल का फोल्डर और होम स्क्रीन में आइकन पैक देखने को मिल गया है। और अगर आप जाइए तो उसमें आपको कंट्रोल सेंटर काइंड ऑफ नया देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं सभी टॉगल्स जो है काफ़ी नया, स्टॉक एंड्रॉइड से भी इंस्पायर्ड थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा टॉगल्स। और अगर आप जाइएगा सर सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स आपको न्यू टाइप का देखने को मिल रहा है, तो ये डार्क मोड के साथ मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ऑब्वियसली सभी कुछ सजेशंस कीजिए ताकि इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको डेली, मतलब सजेशन होने से ही ज़्यादा अच्छा वीडियोज़ मिलता है, तो करके देखिए अच्छा लगेगा आपको भी। तो अगर आप जाइएगा अबाउट फोन में तो उसमें आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, और अगर आप जाइए इसका एडिशनल सेटिंग में तो उसमें भी आपको चेंजेस जो है नहीं देखने को मिलेगा, मतलब जैसे कि अगर आप बोलेंगे जेस्चर बेस तो जेस्चर कुछ चेंज नहीं हुआ है। और अगर आप जाइए इसका डायलर में, तो डायलर में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो ऐसा आपको अगर आपका ऑब्वियसली गूगल डायलर है तो कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। और इसमें आपको वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कुछ स्टॉक एंड्रॉइड वाला जो पिक्सल वॉलपेपर है वो सब आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि नया वॉलपेपर्स होता और इंटरेस्टिंग होता, बट पुराना है कोई दिक्कत है नहीं। इसमें आपको लॉक स्क्रीन काइंड ऑफ डिफरेंट देखने को मिलता है, डबल टैप में आपका म्यूजिक का जो है प्लेयर ओपन हो जाएगा, अगर आप यहाँ से म्यूजिक टॉगल करना चाहते हो आप टॉगल कर सकते हैं, बट म्यूजिक प्लेयर Xiaomi का कौन यूज़ करता है मुझे भी नहीं पता। तो अगर आप उसको रिबूट कीजिएगा, मतलब ऑब्वियसली इसमें आपको बूट जो मतलब आपको बूट एनिमेशन हो आपको नया देखने को मिलता है, जो कि आपका गूगल का बूट एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं कोई वाइट वाला जो है डार्क अगर देखने को मिलता है तो और इंटरेस्टिंग होता है, बट वाइट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो इसमें आपको जो है वाइट गूगल का बूट एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। लॉक स्क्रीन आपको ऐसा कुछ सिंपल सा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा सिंपली पिक्सल लैंड, आप देख सकते हैं कैसा जो है वर्ड्स है, सिंपली आपको सेम टू सेम वर्ड्स टाइप करना है, पिक्सल ब्रैकेट में एल और उसके बाद आपको लैंड सर्च करना, मतलब समझ सकते हैं पिक्सल ब्रैकेट में एल उसके बाद लैंड सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए। ये फोर्थ थीम था, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, थीम्स और अपडेट्स से रिलेटेड वीडियोस सभी कुछ आपको मिलते रहेगा। और ये आपका लास्ट थीम है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपको अगर पसंद आया ऐसा कुछ थीम्स तो अगर आप जाइए तो इसका आपको गूगल का डायलॉग में काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है आइकन पैक देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको विजेट्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो होम स्क्रीन में पूरा भरा पड़ा है विजेट्स। और आज मैं लड़खड़ा क्यों रहा मुझे भी नहीं पता। और अगर आप जाइए इसका टूल का फोल्डर में तो उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है, और अगर आप जाइएगा कंट्रोल सेंटर तो कंट्रोल सेंटर में भी आपको चेंजेस जो है देखने को मिल जाता है। और इसका जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद आई, काफ़ी कलरफुल, जिसमें टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं। सेपरेशन में आपको जो है उसमें भी आपको मार्जिन के साथ जो है सेपरेशन देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ट्राई करना है इसको आप ट्राई कर सकते हैं। आप अगर इसका जाइएगा अबाउट फोन में तो उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा, चूँकि आपका MIUI 12 का लोगो रिप्लेस कर दिया गया है, ऑल स्पेक्स में आपका चेंजेस नहीं हुआ है। और अगर आप जाइए इसका अबाउट फोन का अपडेटर ऐप में तो चेंज मेरे को लगा तो होना चाहिए बट नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, थीम ओवरऑल जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है सेटिंग्स के हिसाब से, UI के हिसाब से। एडिशनल सेटिंग में जाइएगा तो इसका जो है एडिशनल सेटिंग में जेस्चर चेंज हो गया फुल स्क्रीन डिस्प्ले वाला। और अगर आप जाइएगा तो उसमें आपको डायलर और मैसेजेस ऐप में भी आपको नया टाइप का UI देखने को मिल सकता है। अगर आपका गूगल डायलर और मैसेजेस ऐप नहीं है, अगर है तो चेंज नहीं होने वाला, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और अगर आप जाइएगा तो इसको अगर लॉक स्क्रीन देखिए तो लॉक स्क्रीन में आपको काफ़ी सिंपल सा लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है। इसका जो है IS बग है, जो कि अभी आपका जो है कस्टमाइज वाला ऑप्शन गायब हो गया, जो कि मुझे भी नहीं पता कैसे अनेबल हो सकता है। और इसमें आपको जो है लेफ्ट तरफ अगर स्वाइप कीजिए तो उसमें आपको जो है एल्बम आर्ट और वो सब आपको इंपॉर्टेंट टॉगल्स देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको सिंपली ये डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा थीम ऐप में जाके कलर UI, जैसे आप सर्च कीजिएगा कलर UI तो आपको ये थीम जो है मिल जाएगा। बट इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक मिलता है, तो अगर आपको डाउनलोड करना सर्च कीजिए कलर UI, डाउनलोड करके अप्लाई कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको। पांचों थीम पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो ऑब्वियसली लाइक कर ही दिए होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और कुछ भी सजेशन हो, प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ कल कुछ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। और अगर आपको वीडियो में हार्डवर्क दिख रहा है, मेहनत दिख रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री है सब कुछ, तो जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय।